नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस वेल्थ एंड क्यूरियस बॉक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि नेक्स्ट वीक में बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, तो उनमें से एक आईपीओ है या एक स्टॉक है किम हॉस्पिटल्स। इस आईपीओ का मैं डिटेल रिव्यू करके अपने इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर इस आईपीओ में आप अप्लाई करते भी हैं तो लिस्टिंग के हिसाब से या लिस्टिंग डे के दिन आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लिस्टिंग गेन इस आईपीओ के अंदर आने की पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको इस हॉस्पिटल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यह हॉस्पिटल कहाँ कहाँ पे है, किस तरीके की इसकी बेड कैपेसिटी है, कितना रेवेन्यू ये लोग जनरेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन करंटली इस कंपनी की या इस हॉस्पिटल की कैसी है, और आखिरी में मैं आपको ग्रे मार्केट प्राइस के थ्रू बताऊंगा कि इसमें लिस्टिंग गेन होने की पॉसिबिलिटी करंटली कितनी नज़र आ रही है। तो आइए शुरू करते हैं। आईपीओ की टाइमलाइन के साथ। इस आईपीओ की ओपनिंग जो है वो 16 जून से ओपन होने वाला है। लास्ट डेट इस आईपीओ में अप्लाई करने की 18 जून की सेट की गई है। आईपीओ के अलॉटमेंट डिटेल्स हमको 23 ऑफ जून तक पता चल जाएगी। अगर किसी को अलॉटमेंट नहीं होता है तो उसका पैसा जो है 24 जून तक रिफंड कर दिया जाएगा, और एक्सचेंज के अंदर इसकी ट्रेडिंग या लिस्टिंग जो है वो 28 जून तक शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिक टाइमलाइन से रिलेटेड डिटेल्स। दोस्तों, ऐसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे क्यूरियस बॉक्स यूट्यूब चैनल में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं, तो आप मेरे क्यूरियस वेल्थ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिलती रहेगी। यहाँ पर कई बार मैं पूरी वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। और आप मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको किसी भी आईपीओ का अपडेटेड ग्रे मार्केट प्राइस पता चलता रहेगा, और साथ ही साथ डेली मैं जो ब्रेकआउट देने वाले स्टॉक्स के चार्ट शेयर करता हूँ वो भी आपको सही समय पे पता चलते रहेंगे। अब अगर मैं इस आईपीओ के लिए आपको अदर बेसिक डिटेल्स बताऊँ, जिसमें सबसे पहले इसका इशू साइज मैं बताऊँ, तो इशू साइज इस आईपीओ का है 2143 करोड़ का। आपको ये फिगर बहुत बड़ी दिखाई दे रही होगी। मैंने प्रीवियस जो एक आईपीओ का एनालिसिस किया था उसमें भी बताया था, आप आईपीओ के इशू साइज की बड़ी फिगर को देख के कोई भी डिसीजन मत लीजिए। लिस्टिंग गेन और इशू साइज, ये दोनों ही काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं। इतना बड़ा इशू साइज इन्होंने क्यों सेट किया है वो हमको ऑब्जेक्टिव में आगे चल के पता चलेगा। अब अगर मैं इसकी फेस वैल्यू की बात करूं तो 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का इसका फेस वैल्यू है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 815 से 825 रुपये का सेट किया गया है। एक लॉट जो है वो 18 शेयर का है, यानी अगर आपको एक लॉट अप्लाई करना है तो आपको 14,850 रुपये एक लॉट के पीछे ब्लॉक करने होंगे। दोस्तों, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है और मैं इसी तरीके की और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो लाइक करना ना भूलिएगा। अब अगर इस कंपनी के बारे में बात करें या ये कंपनी किस तरीके का काम करती है, किस तरीके की सर्विसेज देती है, तो ये जो हॉस्पिटल है या ये जो कंपनी है ये काफ़ी पुरानी है। 1973 से अपना काम इसने शुरू किया है और ये कंपनी आंध्र प्रदेश में बेस्ड है। ये कंपनी आंध्र प्रदेश की एक सबसे बड़ी कॉरपोरेट हेल्थ केयर ग्रुप है, जो कि तेलंगाना में भी ऑपरेट करती है। पेशेंट्स और ट्रीटमेंट्स के अगर नंबर्स को काउंट किया जाए तो उस हिसाब से ये काफ़ी बड़ी कॉरपोरेट हेल्थ केयर ग्रुप है। इनकी अगर सर्विसेज की बात की जाए तो ये बहुत ही वैरायटी की हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये अपना प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी फोकस करते हैं सेकेंड एंड थ्री टायर के सिटीज़ में। कुछ एडिशनल हेल्थ केयर से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो ये जनरली टायर वन सिटीज़ में ही प्रोवाइड करते हैं। इनके अगर हॉस्पिटल की लिस्ट बताई जाए तो ये टोटल 9 मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, जो कि इनका किम्स हॉस्पिटल ब्रांड के अंदर आता है। इनकी जो करंटली बेड की कैपेसिटी है वो 3,064 बेड कैपेसिटी इनके पास है करंटली अवेलेबल। ये वाइड रेंज की हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसा मैंने बताया इसमें 25 स्पेशलिटीज़ हैं और कुछ सुपर स्पेशलिटीज़ भी इंक्लूड हैं, जिसके अंदर हम बात किया जाए तो कार्डियक साइंस, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसाइंस, गैस्ट्रिक साइंस, ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, रेनल साइंस और मदर एंड हेल्थ केयर की जो सर्विसेज हैं वो ये लोग देते हैं। अगर इनके प्रेजेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो हॉस्पिटल की चैन है वो सिकंदराबाद, नेल्लोर, राजमदुरई
और ऐसे ही पांच अलग अलग और शहरों में इनके हॉस्पिटल की जो चैन है वो करंटली अवेलेबल है। तो करंटली ये इनके 9 हॉस्पिटल हैं, मल्टी केयर या मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में करंटली अवेलेबल हैं। अब बात करता हूँ मैं ऑब्जेक्टिव की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है किसी भी IPO के लिए, कि आखिरकार वो मार्केट से पैसा क्यों उठाना चाहते हैं। तो अब जैसा मैंने आपको बताया था, टोटल IPO का जो साइज़ है उसमें से 1,943 करोड़ रुपीस जो है वो है ऑफर फॉर सेल, यानी कि इस पैसा का किसी भी तरीके से एक्सपेंशन में या फिर लोन रीपेमेंट में इस्तेमाल नहीं होने वाला है। करंटली जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं ये पैसा उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हॉस्पिटल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से बैलेंस शीट के ऊपर इस पैसे का रिफ्लेक्शन नहीं नज़र आएगा। इसमें से बचा हुआ सिर्फ 200 करोड़ रुपए, यानी जो भी ये IPO लेके आ रहे हैं उसमें से सिर्फ 200 करोड़ रुपए ही ये लोग अपना लोन का रीपेमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस जो होते हैं उनके लिए सिर्फ 200 करोड़ रुपए ही इन लोगों ने साइड लाइन रखे हैं। अब अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को हम देखें तो उसके लिए मैं आपके सामने पिछले 3 साल का डेटा लेके आया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं 2019 से 2021 तक का डेटा है। कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपना जो एसेट है उसको ग्रो किया है। टोटल रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देखेंगे तो 2020 के कंपैरिजन में 2021 में वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो कोविड सिचुएशन आई थी उस समय मेडिकल के जो सर्विसेज हैं उसमें हर किसी ने ग्रो किया है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती नज़र आ रही है। अब इसके को पता चलती है ग्रे मार्केट प्राइस से। तो करंटली ग्रे मार्केट में इस IPO को लेके किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं चल रही है, यानी कि इसका ग्रे मार्केट प्राइस करंटली 0 है। बायर या सेलर कोई भी इस IPO के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। बट अभी भी 16 तारीख आने में टाइम है, तो आप वेट कर सकते हैं सेकेंड डे या थर्ड डे तक का। उस दिन पे जो भी कोई ग्रे मार्केट प्राइस अगर आपको अच्छा दिख रहा है तो आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्राइस पता करना है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल जो है उस पर फॉलो कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर, मैं किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ इस IPO में या किसी भी IPO में अप्लाई करने का। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो एक बार आप अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कशन करने के बाद ही अपना पैसा किसी भी IPO में निवेश करें।